सो कैसे हो मेरे बिग बॉस के चाहने वालों। तो गाइज, अगर आप सिड्रा फैंस हैं, यानी आप सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के फैंस हैं, और आपको उनकी जो ऑन ऑफ केमिस्ट्री है वो काफ़ी पसंद आती है, तो गाइज़ आप लोगों के लिए मेरे पास एक खबर है। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है समर, ले आया हूँ आप लोगों के लिए बिग बॉस की घर से चटपटी खबर। आप देखते रहिए द टॉलीवुड रिपोर्टर। गाइज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे विनम्र अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो रिपोर्ट्स मिल जाएँ सबसे पहले। तो गाइज़, एज वी ऑल नो कि बिग बॉस को ख़त्म होने में बस अब 7-8 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कलर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो सिद्धार्थ और रश्मि को अपने न्यू शो में साथ लाने वाले हैं, और ये न्यू शो होने वाला है खतरों के खिलाड़ी। सो गाइस, कंफ्यूज मत होइए, सिद्धार्थ और रश्मि पहले भी ये शो कर चुके हैं, बल्कि सिद्धार्थ तो सीजन 7 के विनर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो न्यू कॉन्सेप्ट है खतरों के खिलाड़ी का सीजन 11 के लिए, अभी सीजन 10 आने वाला है, तो सीजन 11 के लिए यहाँ पर जितने भी बाकी प्रीवियस कंटेस्टेंट थे वो दोबारा ऑन बोर्ड आने वाले हैं सीजन 11 के लिए। यानी जो टॉप कंटेस्टेंट रहे हैं अभी तक खतरों के खिलाड़ी के ऑल सीजन में, वो यहाँ पर आने वाले हैं सीजन 11 के लिए। बिग बॉस सीजन 13 का फिनाले 15 फरवरी को होगा, जिसके बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 इसको टेक ओवर करेगा, और इसके खत्म होते ही खतरों के खिलाड़ी ऑल स्टार्स यानी सीजन 11 इसको टेक ओवर करेगा। तो गाइज, इस शो के लिए यहाँ पर सिद्धार्थ और रश्मि ऑन बोर्ड हो चुके हैं, बल्कि जो बाकी सेलेब्स हैं उनसे भी जो चैनल वाले हैं वो बात कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप सिड्रा फैंस हैं तो कितने एक्साइटेड हैं आप यहाँ पर सिद्धार्थ और रश्मि को न्यू शो में देखने के लिए, मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। कीप ऑन वॉचिंग द टॉलीवुड रिपोर्टर।